बॉस बायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं firstbite.tv। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। एक बार फिर से दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील कर दिया गया। सिर्फ पास वालों को ही जिले में प्रवेश की अनुमति होगी। इस आदेश के बाद गाजियाबाद से दिल्ली काम करने जाने वालों की पेशानी पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई हैं। आने जाने वालों की परेशानी को देखते हुए हालांकि DM ने कहा है कि डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, बैंक कर्मियों को पास की जरूरत नहीं होगी। इन लोगों को अपने परिचय पत्र ही दिखाना काफी होगा। उनके परिचय पत्र को देखकर उन्हें बॉर्डर पार करने दिया जाएगा। वहीं एम्बुलेंस बिना किसी रोक टोक के आ जा सकेंगे। भारत सरकार में काम करने वाले उप सचिव और उसके ऊपर के अधिकारियों को भी परिचय पत्र के आधार पर ही आने जाने की अनुमति होगी। DM ने यह भी कहा है कि गाजियाबाद में कई ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो दिल्ली में काम करते हैं। सरकारी कर्मचारियों के 33% सीमा निर्धारित करते हुए कार्यालयों में उपस्थिति के निर्देश हैं, लेकिन इसका पालन नहीं हो पा रहा है। ऐसे कर्मचारियों के लिए 33% की सीमा के आधार पर दफ्तर के पास जारी होंगे, जिन्हें साप्ताहिक और दैनिक आधार पर जारी किया जाएगा, उन्हें अनुमति होगी। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार।